साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों एक बार फटाफट शेयर कर दो, आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूं। आकाश में बिजली चमक रही है और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कलेक्टेड ऑफिस से बाहर आने के बाद। कलेक्टेड जिला कलेक्टर का बंगला है और राय कॉलोनी रोड जाने वाली, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शनिवार रात्रि को कभी करीब 9:30 बजे आई तेज़ बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। साथियों ये शहर की सड़कें तालाब बन गई है। साथियों देख लो आप तस्वीरों में, करीब अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है कि तेज़ बारिश करीब आधा घंटा तक बरसी, जिसमें सड़कें पूरी तालाब बन गई। तो ये कलेक्ट्रेट की तस्वीरें, कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें है, आप लाइव देख रहे हो, एक बार शेयर कर दो। लगातार इंद्र भगवान बाड़मेर शहर पर और आसपास के इलाकों में मेहरबान हो रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। किसानों के चेहरे पर खुशी है, शहर में रहने वाले लोग परेशान होते हैं क्योंकि कीचड़ फैल जाता है, मच्छर फैल जाती है, इस कारण शहर में रहने वाले लोगों को समस्या है और किसानों के लिए खुशी की बात है। लगातार बारिश हो रही है, इससे अब की बार आने वाला ज़माना है वो भी अच्छा होगा, फसलें अच्छी होगी, जैसे मूंग माठ बाजरी तिल गवार, ये अच्छी होगी फसल। तो लगातार बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिन से, इंद्र भगवान मेहरबान हो रहे हैं बाड़मेर पर। पूरे राजस्थान में अब बारिश की सीजन है, अलग अलग ज़िलों में बारिश हो रही है, मगर बाड़मेर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। तो एक बार शेयर करो साथियों फटाफट इस पोस्ट को, आपको मैं तस्वीरें बाड़मेर शहर की दिखा रहा हूँ। करीब 1.5 से 2 फीट पानी अभी भी, बारिश बंद होने के बाद भी 1.5 से 2 फीट पानी सड़कों पर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हो पानी की स्थिति, कैसे पानी चल रहा है। ये राय कॉलोनी रोड की तस्वीर है, कलेक्ट्रेट जिला कलेक्टर के बंगले के पास ही और राय कॉलोनी रोड जाने वाली है, वहाँ की तस्वीरें आपको मैं साझा कर रहा हूँ। साथियों फटाफट शेयर करो, फिर मिलते हैं अपन एक नए और वीडियो के साथ। इससे पहले साथियों आपको बता देता हूँ, मैंने लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई है उत्तरलाई रोड की। उत्तरलाई रोड पर वहाँ पर तेज़ बारिश थी, शहर से भी तेज़ थी, वहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है लाइव, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अपन एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए आपके भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद साथियों, शेयर कर दो एक बार।